ये तो एक झलक है मनांग राइड की, झलक दे रहा है अभी। ये ट्रेजर है, ट्रेलर भी नहीं है, ट्रेजर है भाई साहब। क्या नीचे रोड गया हुआ है। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा। सो लास्ट जो व्लॉग मैंने आपको दिखाया, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको क्या दिखाया था, हम गए थे लोअर मुस्तांग राइड करने मुक्तिनाथ। लास्ट टाइम मुक्तिनाथ में नहीं पहुंच पाया था, लेते तक ही पहुंच पाया था। तो इस बार मैंने प्लान ही किया था कि चाहे जो हो जाए इस बार हम पहुंचेंगे कहाँ, मुक्तिनाथ का दर्शन करके ही रहेंगे और लोअर मुस्तांग की पूरी राइड कंप्लीट करके ही रहेंगे। तो लोअर मुस्तांग की राइड अगर आपने नहीं की है और आप देखना चाहते हो कि कैसी राइड होती है तो जाकर लास्ट वाला ब्लॉग देखो भाई साहब, नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर था। सो आज मैं जा रहा हूँ, मैं और रविश जा रहे हैं फिर से क्या बनवाने, परमिट बनवाने। क्यों? क्योंकि हमें जाना है अब मनांग विलेज। तो मनांग विलेज के लिए भी आपको परमिट लगती है। देखो जो मैंने लास्ट परमिट बनवाया था मुस्तांग राइड के लिए उसमें भी मनांग मेंशन था, लेकिन मैंने उस ब्लॉग में बताया था और भी बता देता हूँ, एक पहाड़ आता है ठीक है, उसको आपको ट्रैक करके क्रॉस करना पड़ेगा तब वो परमिट आपके लिए एप्लीकेबल है, मतलब आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो हम बाइक लेकर ट्रैक तो कर नहीं सकते थे, तो फिर हमें वापस आना पड़ा। और एक बार आप जब एग्जिट कर जाओगे घासा चेक पोस्ट से एग्जिट कर जाओगे तो फिर से आपको अगर एंटर करना है अन्नपूर्णा वाला जो रेंज है उसमें, तो फिर से आपको परमिट बनवाना पड़ेगा। और फिर से हम जा रहे हैं परमिट बनवाने के लिए परमिट ऑफिस। तो चलिए फटाफट निकलते हैं। और प्राइस भाई 1000 रुपये चार्ज होने वाले हैं एनसी में, और डॉक्यूमेंट्स में हमारा पासपोर्ट लगेगा या फिर आपके पास अगर वोटर आई कार्ड है तो वो लगेगा। सो लास्ट टाइम जब हम जा रहे थे मुक्तिनाथ तो उसके लिए परमिट के लिए आए थे, वॉक करके आए थे, और आज अपने चेतक को लेकर के आए हैं क्योंकि हमारे होटल से डिस्टेंस जो है वो है एग्जैक्ट 2 किलोमीटर का। ये रहा इमिग्रेशन ऑफिस पोखरा। सो ऑलराइट गाइस, ये बन गया हमारा परमिट। से ये है मनांग के लिए, सेम परमिट बना था हमारा उसके लिए भी, क्या बोलते हैं लोअर मुस्तांग के लिए मुक्तिनाथ जब जा रहा था। तो ये कुछ इस तरीके से। चलिए फटाफट हो गया काम, चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जाकर के होटल में थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि मुक्तिनाथ राइड कंप्लीट करने के बाद पूरा ये जो सर है ना दर्द हो रहा है, और आंखें देखो मेरी आंखें ऐसी लग रही होंगी, थकी हुई आंखें दिख रही होंगी और अंदर से ऐसा मतलब नींद भरी हुई है। तो आज की रात नींद पूरी करेंगे और सुबह सुबह निकलेंगे यहाँ से मनांग के लिए। सो ऑलराइट गाइस, सो आज से जो है मनांग राइड शुरू हो रही है। तो आज हम यहाँ से, रविश गया हुआ अभी थोड़ा पोखरा का एक्सप्लोर करने, जो चीज़ रह गई थी उसकी, क्योंकि मैं लास्ट ईयर जब आया था पोखरा तो मैंने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया था। तो मैंने सोचा कि उसको बोल दूँ जाके 2-3 चीज़ें, जैसे पगोडा पीस पगोडा है, लॉर्ड शिवा का एक स्टैचू है, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने गया है। अगर आपको भी देखना है वो वाला व्लॉग पोखरा जो मैंने एक्सप्लोर किया था, तो यहाँ देखो एक आई बटन में आ जाकर के उसको देख सकते हो। हम निकल रहे हैं पोखरा से बेसी शहर के लिए, तो वहाँ जाकर के आज नाइट स्टे करेंगे और सुबह सुबह वहाँ से निकलेंगे मनांग राइड। तो कल प्रॉपर बोलोगे तो कल प्रॉपर तरीके से मनांग राइड हमारी शुरू हो जाएगी। फटाफट गियर अप होते हैं और निकलते हैं, बाकी की बात करते हैं आपसे चेतक पे बैठने के बाद। एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 12:15, तो लगी हुई है बहुत तेज भूख। पहले चलते हैं कहीं रुक करके खाना खाएंगे, और इसको भी पेट्रोल पिलवाना है, इसको भी पेट्रोल पिलाना है क्योंकि रिजर्व में मैंने चला ली है हिमालयन को 110 किलोमीटर के आसपास, तो अब फ्यूल अप करना बहुत ज़रूरी है इसको। पेट्रोल पंप 115 किलोमीटर रिजर्व में चला चुका हूं मैं अपने चेतक को, टाकी में रखा है। ये दोनों जो जेरी कैंस हैं इसमें मैंने रखा हुआ है पेट्रोल। मैं चाहता था कि एक बार चेक भी कर लूं कि रिजर्व में कितनी दूर चल सकती है मेरी बाइक। टाइम जो है 3.5 घंटे लगने वाले हैं बेसी शहर पहुँचने में। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊँ, एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बात यह है कि नेपाल में आप चाय पियोगे ना तो सस्ता है, एनसी में 40-50 रुपये में मिल जाता है चाय। लेकिन अगर आपको कॉफी पीनी है दोस्तों तो 110-120 ऐसे प्राइस चार्ज कर रहे हैं, समझे, डबल चार्ज, डबल तो कहीं कहीं ट्रिपल भी चार्ज कर रहे हैं। तो मैं आप सबको बोलूंगा अगर आप भी नेपाल ट्रैवल करने आ रहे हो और कॉफी पीने के शौकीन हो तो अपना पाउच जो है ना, कॉफी पाउच या अपना कॉफी का डब्बा जो होता है वो लेकर के आओ। बाप रे बाप क्या ट्रैफिक है यार, देख रहे हो ट्रैफिक पुलिस लगे हुए हैं पूरा ठीक करने हैं।
सो ये रहा गेट, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे हम पोखरा। भाई साहब बहुत टेंशन हो गया, दो पेट्रोल पंप देखा मैंने, दोनों पेट्रोल पंप बंद हैं, सारे पेट्रोल पंप ही बंद हैं भाई, ये क्या हो गया कांड। तो जी फाइनली मिल गया पेट्रोल पंप, उधर के जितने पेट्रोल पंप थे सब बंद पड़े हुए थे। 178 रुपीज़ लीटर पेट्रोल है इन पोखरा, 2148 12 लीटर। तो जी यहाँ का मोमो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा है, क्योंकि डिफरेंट मतलब मोमोज नहीं है, ये मोमोज रहा ठीक है, ये मोमोज और इसके साथ एक कड़ी दिया है इन्होंने, सूप दिया है, कड़ी नहीं सूप दिया है, देख रहे हैं जिस तरीके से है सूप, तो इसको पीते हैं और आपको बताते हैं कैसा है टेस्ट, समथिंग इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं ना क्लियर सूप, वेज क्लियर सूप वही है। ये देखो कितना खूबसूरत मैप बनाया हुआ है इस कार पे, वो डोते भाई साहब, रोड बनाए हो तो तरीके से बनाओ भैया, नहीं बनाना है तो छोड़ दो ना, ऑफ रोडिंग ही करके चले जाते हैं ये, ऐसे मतलब जंप कर रहा है ढक ढक। और ये रोड पता है क्या है, ये काठमांडू टू पोखरा को कनेक्ट करता है रास्ता, उसकी ये स्थिति है। नेपाल गवर्नमेंट देख रहे हो तो यार करो इन लोगों के लिए, जो लोकल से यहाँ हम तो कभी कभी आते हैं, लेकिन जो लोकल से उनको कितनी दिक्कत होती होगी। ये देखिए साइकिलिस्ट, फॉरेनर साइकिलिस्ट, क्या बात है, वेलकम टू ऑफ रोड। यार ये रोड नेपाल की राजधानी से कनेक्ट होती है काठमांडू से, उसकी ये स्थिति है। 1.5 साल पहले भी यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति। अंकल ऐसे निकलोगे टहलते हुए, थोड़ा जल्दी निकल लो अंकल। अंकल बोल रहे हैं ओ साहब जी थोड़ा सोलो चलो सोलो। मैं बोला कैसे, मैं तो सोलो ही चल रहा है। गर्मी जो है ना, नेक्स्ट लेवल की गर्मी है। वैसे एक बात बताऊं, अक्टूबर नवंबर बेस्ट टाइम है नेपाल विजिट करने का, और उसके बाद से फरवरी मार्च, मैक्स टू मैक्स मार्च, मार्च के बाद तो भयंकर गर्मी होगी यहाँ भी, भयंकर गर्मी होगी। कुछ नहीं यारा, अभी तो नेक्स्ट लेवल का ऑफ रोड होने वाला है। लास्ट जो ब्लॉग आपने देखा होगा, मतलब मुस्तांग राइड, लोअर मुस्तांग राइड देखी होगी जो मुक्तिनाथ में गया था, जो ऑफ रोड आपने देखा था वही नेक्स्ट लेवल मुझे लग रहा था। लेकिन कल SJ से मेरी बात हो रही थी, SJ पूछा कौन था शुभम, SJ ब्लॉग्स, तो उससे बात हो रही थी, उसने बताया मुझे कि भाई साहब अगर मुक्तिनाथ को, मेरे से पूछा कि कितना परसेंट दोगे, अगर आपको 100 में से बोला जाए नंबर देने के लिए तो क्या नंबर दोगे, तो मैंने बोला चलो 10 देता हूँ। तो उसने बोला कि 10 आपने दिया ना मुक्तिनाथ राइड का, तो 50 मनांग राइड को लेके चलो। तो मैं बोला हाँ, 10 में ही हालत ख़राब थी, यहाँ 50 होने वाला है। तो मेरा फर्स्ट टाइम है मनांग, जा रहा हूँ देखता हूँ, तो इस बार मेरी बारी है, चलते हैं देखते हैं, आपको मेरे ब्लॉग में मेरे यूट्यूब चैनल गो राइडर्स पर देखने को मिलेगा। तब तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, ईयरफोन अपने कान में लगा लीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ऑफ रोडिंग होने वाली है, नेक्स्ट लेवल की। और बाबा की हालचाल जी, ट्रेवल विथ विश की हालचाल, ठीक है जी, मजा बहुत बढ़िया, हाय 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 जबरदस्त है, मजा आ रहा है। हाय हाय भाई, मेरा खड़ा होता तो पता ही नहीं चलता है खड़ा भी हुआ है, लगता है बैठा ही हुआ है कोई लंबा आदमी। वाह बेटा मौज कर दी भाई, धूल उड़ा के। ये देखो चचा को एकदम हिमालय पर्वत में ही हाथ रख के खड़े हैं। वाह भाई साहब, जो भी आर्टिस्ट है ना, जबरदस्त आर्टिस्ट हो भाई तुम, इनको तो जो बनाए इस फोटो को, इनको तो 11 नहीं 1000 तोपों की सलामी देना बनता है। सो गाइस ये देखो डाइवर्जन पे ये जो रोड बना रहा है, ये चाइनीज या जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो देख लीजिए भाई साहब, नेपाल को सपोर्ट किया जा रहा है चाइना या जापान की तरफ से इस रोड को बनवाने में, क्योंकि कंपनी का जो नाम लिखा हुआ है वो कुछ चाइनीज में या जापानीज में लिखा हुआ है। आए हाय हाय, क्या मज़ेदार रोड है यार। मज़ा आ रहा है देख देख के, गजब। तो गाइस मैं बता दूं कि ये राइड मैंने शुरू की थी मुंबई से अपने होम टाउन, मतलब महाराष्ट्र से बिहार आया पटना, फिर उसके बाद मैंने प्लान किया कि जब पटना आया हूँ तो नेपाल फिर से घूम के जाते हैं। तो नेपाल की राइड शुरू की, पटना टू लुम्बिनी गया, सुनौली बॉर्डर से एंटर किया,
भंसार बनवाया, भंसार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती है, वो सारा चीज़ है उस ब्लॉग में, तो जाके आप देख सकते हो फर्स्ट एपिसोड में। उसके बाद मैं गया लुमिनी एक्सप्लोर किया, लुमिनी एक्सप्लोर करने के बाद निकला वहाँ से और जा कर के तानसेन गया जहाँ पे रानी जी का महल है जिसको कि ताजमहल ऑफ नेपाल कहा जाता है, वो घूमा। फिर वहाँ से निकल के पोखरा गया, फिर पोखरा से निकल के मुक्तिनाथ गया, फिर मुक्तिनाथ मतलब लोअर मुस्तांग की राइड कंप्लीट की, फिर उसके बाद आया, फिर परमिट बनवाया मुस्तांग के लिए, परमिट बनवाया, फिर से वापस आकर फिर से परमिट बनवाया मनांग के लिए जो कि अभी जा रहे हैं मनांग। ये पुल गंडकी, काली गंडकी के ऊपर बना हुआ है और इस पुल को देख करके मुझे याद आ रहा है जब लास्ट टाइम मैं जा रहा था काठमांडू से पोखरा तो इसी पुल पे गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ था ट्रैवलर का। जैसे ही एंटर किया मुझे याद आ गया ये, क्योंकि ये सबसे लंबा ब्रिज है अभी तक का मेरा नेपाल में। तो गाइस पीछे नज़र आ रहा है, पीछे एक रिबन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, वो रिबन कटने का देर है, जैसे रिबन कटेगा ये उसको गिराया जाएगा, वैसे ही देखो रेस जो शुरू हो जाएगी कार्स की। अरे भाई साहब मुझे कफ का प्रॉब्लम, मुझे लग रहा था कि मुझे सर्दी खांसी हो गया, लेकिन नहीं, नेपाल में राइड करने के बाद क्या है ना कि भाई बहुत ज़्यादा रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसके कारण बहुत ज़्यादा धूल है, वही इनहेल कर रहे हैं जिसके कारण कफ बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। इस टाइम पे अगर आते हो ना भैया पोखरा काठमांडू, काठमांडू पोखरा, तो आप बीमारी लेके जाओगे भैया, अगर नाक वाक तरीके से ढका हुआ ना हो तो। बाप रे बाप का जब रोड पे धूल है रे भाई। तो जी ये है डुमरे और डुमरे से आगे से कहीं लेफ्ट टर्न है जो लेके जाएगा हमें बेसिस शहर की तरफ। बाबिट्टा मौज कर दी, आगे चल फिर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही और फिर से रोड बंद हुआ पड़ा है भाई साहब, फिर से रोड सफाई का काम चल रहा है। साहब ये धूल का रंग कब पीछा छोड़ेगा भाई। मैं यहाँ पे लोगों को देख रहा था कि रेनकोट पहन के घूम रहे थे, मैं बोला बारिश का टाइम तो है नहीं, फिर रेनकोट क्यों पहने हुए हैं? आज पता चल रहा है कि रेनकोट क्यों पहन के लोग घूम रहे हैं, पूरा धूल ही धूल है सड़क पे, बेचारे जो पहन के निकलेंगे वो अलग ही कलर का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रेनकोट यूज कर रहे हैं लोग। नेपाल राइड का सेकेंड आयरन ब्रिज और इस ब्लॉक का, आज के ब्लॉक का पहला आयरन ब्रिज। तनाहुन है ये जगह, तनाहुन। बेसी शहर नगर पालिका में हार्दिक स्वागत गर्द छो। तो अब हम एंटर किए बेसी शहर में। भाई साहब ऑफ रोड कर करके ना हालत खराब हो गई है, अभी तो कुछ नहीं है, मैंने बताया ना अभी तो कुछ नहीं है, कल पता चलेगा, कल वाले व्लॉग में पता चलेगा आपको कि क्या होने वाला है। सस्पेंस है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। लेकिन यहाँ का एक वेदर देख रहा हूँ, दिन में इतनी गर्मी रह रही है और रात को बिल्कुल ठंड हो जा रही है यार। ये तो एक झलक है मनांग राइड की, झलक दे रहा है अभी, ये ट्रेजर है, ट्रेलर भी नहीं है, ट्रेजर है भाई साहब। क्या नीचे रोड गया हुआ है, कहाँ से आ रहा है, लैंडस्लाइड होके पत्थर ऊपर से सड़कड़ा होगा, भागा ले शशांक ऊपर नीचे मत देख ज्यादा। ऐसा बोरो, ओए बोरो कहाँ भाग रहा है, बोरो रुको, बोरो 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 रुको बोरो, अरे बोरो मोटर ब्लॉगिंग कर रहा है, बोरो रुक जा, बोरो मैं भी आ रहा है, मुझे भी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, नहीं शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब घंटा या रुको 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 और रुको रुको बोरो। आया आया नेपाल का ऑटो आया लाइन बांटते हुए, वाह 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 वाह, चल 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 चल। अरे भैया हमको भी जाने दो, अरे भैया जाने दो हमको भी, भैया 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 थैंक यू भैया। ए बोरो 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 रुको, ए बोरो ब्रो ब्रो, अरे बोरो की बोरो ब्रो 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 रुको, बोरो ब्रो रुक जाओ यार, अरे यार रुक जाओ यार, अरे यार मेरे को साथ लेके चलो यार, प्लीज रुक जाओ यार। दिस इज बेसी शहर। बड़ी सिटी है, सिटी कह सकते हो, कस्बा बोल सकते हो, लेकिन है
दूर दूर तक दिख रहा है बड़ा सिटी सिटी हरामी कमीने साले गलत सोचते हो हमेशा है। हाँ बेटा मैं समझ रहा हूँ तुम लोग इस वर्ड पे बहुत वो कर रहे होगे, सोच रहे होगे, ज़्यादा सोचो मत, सिटी के बारे में बात कर रहा था। यार हेलमेट पे भाई साहब बाल बहुत अजीब हो जाता है। सो गाइज अपडेट देना था, ब्लॉग को एंड भी करना था। सो हम पहुंच गए हैं बेसी शहर और यहां तक पहुंचने में भाई साहब आपने देखा ना क्या धूल खाया रे, कितना दबा के धूल खाया, कितना किलो खाया होगा धूल आज? मैं खाया हूँ 100 किलो अब मैं 150 किलो क्योंकि इनके पीछे पीछे बहुत बार चला हूँ, तब आगे वाली गाड़ियां तो उड़ा ही रहे थे धूल, ये भी दबा कर भर कर रहा था मैं, दिख ही नहीं रहा था कुछ मेरे को, तो लगा था आज तो या तो इस पार जाएंगे या उस पार ही जाएंगे। सो किसी तरह से करते हुए पहुंच गए बेसी शहर, कल से हमारी प्रॉपर मनांग की राइड जो है वो शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पहुंच गए कितने बजे पहुंचे थे? 6 बजे पहुंच गए, 6 बजे हम एंटर कर गए थे और ये जो रूम मिला है ना भाई साहब गजब का जबरदस्त रूम मिला है भाई साहब, पता है कितना का? एक्चुअली इसका प्राइस जो है ना 3000 रुपया है इस रूम का, लेकिन यूट्यूबर होने का फायदा, इन्फ्लुएंसर होने का फायदा है कि हमें मिल गया, बस बार्गेन किया हमने मिल गया। क्या है कि प्राइस सबके लिए एक नहीं हो सकता, इसलिए प्राइस बताना सही नहीं लगा, फिर भी समझ लो कि समझ लो बजट में है। अरे चलो बता ही देते हैं, हमें पड़ा है इंडियन करेंसी में 1100 रुपये और एनसी में 1600 रुपये, ठीक है, नहीं 1000 इंडियन करेंसी में 1000 और एनसी में नेपाली करेंसी में 1600 रुपया, बट विदाउट एसी है, लेकिन रूम बहुत सेक्सी है, दिखा देता हूँ एक बार। ये है बेड, एक ये बेड, एक ये बेड प्लस ये देखो भाई साहब, रूम से अच्छा तो भाई वॉशरूम है। वहीं सो जाओ, इधर ही सो जाया जाए, क्या देखो एक टब दिया है, टब इसमें गर्म पानी डालेंगे और हम दोनों भाई इधर लेट जाएंगे, एक तरफ मैं करके सर, एक तरफ भाई करके सर, लेकिन आज नहीं, जब वापस मनांग करके आएंगे तब। और ये देखो ये भी मिला है, तो जैकेट को अपना तरीके से धूल भरे हुए जैकेट को अंदर डाल दिया गया है, तो रूम काफ़ी अच्छा है, यहाँ बाहर बालकनी भी है, ये देखो देख रहे हैं, ये देखिए ये है बालकनी कुछ इस तरीके से, और ये सिटी दिख रही है, अभी चारों तरफ माउंटेन है, सुबह दिखाऊंगा जब निकलूंगा यहाँ से ना मनांग के लिए, तो आपको ये व्यू दिखा दूंगा, बहुत ज़बरदस्त है, सुबह ज़बरदस्त व्यू आएगा। तो चलिए एक बार चलते हैं नीचे, नीचे और दिखा देते हैं प्रॉपर्टी नीचे से कैसी दिखती है होटल, ये जो दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, इसमें सारे रूम्स हैं, और ये देखो इधर है इनका कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट बोल सकते हो, ये और इधर भी है इनका कैफेटेरिया, कहता हूँ रेस्टोरेंट एरिया वो भी है, ये भी है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है अभी, और ये है पार्किंग, पार्किंग एरिया चेतक इधर पार्क कर दिया हमने, और ये है कार्स के लिए, और वहाँ पे 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 ये जो एरिया दिख रहा है ये है रिसेप्शन एरिया, ठीक है। सो गाइस एक अच्छी डील मिल गई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बोलोगे और बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं बोलोगे, सही है, बढ़िया है। सो आज के लोगों में बस यही था, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, एंड प्लीज़ सेव गोल्ड चाइल्ड प्लीज़।